उत्तर प्रदेश के हादरस के जड़े एक दलित लड़की के नाल दुष्कर्म के बाद उस दे नाल जो घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद उसकी अद्धी रात दे विच पुलिस वालों उन्हें जला दिता गया। उसका विरोध पूरे देश से देखे जा रहा है। तुसी देख रहे हो समाणा के अंदर गवर्नमेंट टीचर यूनियन चंडीगढ़ के सद्दे से अध्यापक वर्ग जो पढ़ा लिखा समाज है उन्होंने वालों कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस दे दोषी हैं उन्होंने सज़ा दे ही यह संघर्ष रोकया जाएगा, नहीं संघर्ष और तेज किया जाएगा। कि हाथरस उत्तर प्रदेश की एक बेटी जिसका जिस नाल अत्याचार किया गया अत्याचार करके उसका कतल कर दिया गया, असं पुरजोर निंदा कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं। दूजा विरोध साडा जिहड़ा संबंधित राज है उस राज दे मुख्यमंत्री उस राज दे पुलिस उस राज दी प्रशासन DM उन्हां तों है कि उन्होंने इन्ना अत्याचार कतल होने तो बाद जिहड़ा परिवार से प्रताड़ना की है असं पुरजोर निंदा कर रहे हैं उसकी। तो असी गवर्नमेंट टीचर यूनियन वालों एक मैसेज भी देना चाहते हैं, वो मैसेज ये है कि सानू सारे लोगों को जात धर्म रंग नसल भेद सब भुला के राजनीति तो उपर उठ के अज भारत की इस बेटी के हक के खड़े हो जाना चाहिए है। सानू इतराज़ है कि जड़ा हाथरस के जड़ा कांड होया तो उस कांड के उस संबंधित राज की सरकार ये कह रही है कि दंगे भड़काने की कुछ एजेंसी कोशिश कर रही हैं, विदेशी फंडिंग हुई है। असं पूछना चाहते हैं जे विदेशी फंडिंग हो रही है तो थोड़ी जी अपनी इंटैलीजेंस है साड़ी IB है इंटैलीजेंस ब्यूरो है राह है वो की काम कर रही ने वो किस वास्ते ने उन्होंने किस तरह की फंडिंग तुम की फंडिंग दे रहे हो उन्होंने सुट देना चाहिए एक पास जेकर वो यही नहीं पता लगा सकते कि बाहरी एजेंसी इस तरह एक साडा एक कोई आम मुलाजम एक आम नागरिक जेकर 50,000 रुपया भी जमा 50,000 तो उपर राशि जमा करवाता है तो भी उस क्वेश्चन आ जाता है कि इसने एनी इसका इन्ना फंड जड़ा है खाते भी जमा हो गया है तो करोड़ों रुपये जमा हो जाते हैं फंडिंग जमा हो जाती है तो थोड़ी इंटैलीजेंस को पता नहीं लगता। देखो रिटायर्ड जज तो होनी चाहिए असं मंगते हैं, परंतु जो पिछला वर्तारा देखा है जो जुडिशरी का वर्तारा है उस असी देखा कि जो जनता जोड़ा है इंसाफ जोड़ा है वो या तो मिले ही नहीं है, जो मिले है तो इन्नी देर मिले कि इंसाफ की कोई वैल्यू नहीं रह विशा जोड़ा है डिबेट का है कि जी सा न्यायिक व्यवस्था है वो किस पास जा रही है। उस घटना की जी देहाती मजदूर सभा वालों घोर निंदा करते हैं और देश के माणयोग राष्ट्रपति तो मांग करते हैं कि UP सरकार को बर्खास्त किया जाए क्योंकि अज UP के अंदर सब तो वध घट गिनती लोगों के हमले हो रहे हैं, दलितों के हमले हो रहे हैं और औरतों के हमले हो रहे हैं, वो तो जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी। विदेशी फंडिंग अदरवाइज ये कहना चाहते हैं जे सरकार ही उही सरकार है जो कांग्रेस वेले देश का जिहड़ा प्रधानमंत्री अज्ज ये कह रहा है उस समय कि देश की इंटैलीजेंस एजेंसियां की कर रही ने, असी इन्हां नूं क्वेश्चन पुट करते हैं कि देश की इंटैलीजेंस की कर रही है जे देश बाहरलियां एजेंसियां आके काम करा रही ने साडे देश के अंदर तो साडे देश की इंटैलीजेंस की कर रही है, देश की सरकार की कर रही है जी, ये जवाब लोगों नूं दे बयान देवे इहदा देश का प्रधानमंत्री इस मुद्दे ते। देखो जी गल यह है भी UP दे विच जिहड़ा कांड होया उहदे विच इह वेख लो तुसीं भी अज तक उत्थे पुलिस ने पहरा लाया होया और उत्थे ना तां किसी भी पत्रकार नूं मिलन दित्ता जा रहा किसी सियासी पार्टी वाले नूं मिलन दित्ता जा रहा, रेप होया रेप होने तो बाद जिहड़ी उत्थों दी सरकार हैगी आ दोषियों नूं बचाण दे लई अपना पूरा जोर लाई होया। इस करके असीं चाहुंदे आ भी उस कुड़ी दे जिहड़े दोषी ने उहनां नूं फाहे टंगिया जावे क्योंकि यह वर्तारा किसी की भी धी भैन नाल हो सकता है जे साडे समाज इकट्ठा नहीं होएगा इस जुल्म के विरुद्ध तो कितना कम चलेगा। इसे कड़ी के तहत असी गवर्नमेंट टीचर यूनियन पंजाब इकाई समाणा वालों समाणे दे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च कर लगे हैं तो समाणे दे कैंडल मार्च करते हुए कुड़ी की इंसाफ की मांग कर रहे हैं भी कुड़ी नाल इंसाफ होना चाहिए। तो पुलिस को चाहिए भी घट्टो घट्टो परिवार को मीडिया के सामने पेश करे जे पुलिस कहती है भी रेप नहीं होया अज कुड़ी का एक मुल लाया जा रहा है 10 लख रुपया 25 लख रुपया भी पैसे लैके चुप कराया जाए और ये तो कोई FIR होवे ना। जिहड़ी घटना वापरी है उत्तर प्रदेश के UP के बहुत बड़ी एक मंदभागी घटना क्योंकि धियां भैणां का जिहड़ा शोषण हो रहा एक बहुत ज़्यादा मंदभागी घटना है। इस करके भी असीं उसका विरोध करते हैं, असीं विरोध इस करके करते हैं कि उस परिवार को जिहड़ा है इंसाफ मिले, इंसाफ दवाउण वास्ते असीं भी इस अपने पंजाब दे विच समाणा शहर दे विच कैंडल मार्च कर रहे हैं जिस दे विच असीं अपने बटसल महकमा अपने पेंशन एसोसीएशन के आगू साहबान टीचर साहबान तो होर जथेबंदियों के भी आगू इत्थे पहुँचे हुए हैं जिहदे विच असीं इस दा संघर्ष करांगे। तो जेकर उस बेटी का इंसाफ ना मिलिया
तो असं बदवी से संघर्ष करा। कैमरामैन बाल सिंह गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।